Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to show you how to achieve the flawless base for your makeup. So let's get started. So first मैं टोनर यूज़ करूँगी एंड फॉर टोनर आई एम गोइंग टू यूज़ गुड वाइब्स का रोज हिप टोनर एंड मैं बहुत अच्छे से स्प्रे करके जस्ट पैटर्न कर दूँगी सो जस्ट मेरा स्किन उसे एब्जॉर्ब कर ले अच्छे से. सो फॉर मॉइस्चराइजर आई एम गोइंग टू यूज़ न्यूट्रोजीना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर विथ SPF 15 एंड मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करूँगी सो जस्ट दैट मेरे स्किन को अच्छा मॉइस्चर मिल जाए और वो केक ही ना दिखे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर टू गेट दैट ड्यूवी लुक. सो की हियर इज टू मॉइस्चराइज योर फेस इज टू प्रेप योर स्किन बिफोर यूजिंग एनी प्रोडक्ट. सो फॉर प्राइमर आई एम गोइंग टू यूज नायका प्रेप मी अप फेस प्राइमर एंड मैं अपने टी जोन एरिया पे यूज़ कर दूंगी एंड अगेन मैं ड्रैग नहीं करूंगी, मैं जस्ट अच्छे से पुश कर दूंगी इनटू माय स्किन एंड बाकी का आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट ऑल ओवर माय फेस. सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज कलर करेक्टर अराउंड माय माउथ एंड आई एरिया आई एम गोइंग टू अप्लाई इट एंड यूजिंग वेट ब्यूटी ब्लेंडर मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. अगेन ड्रैग नहीं करूंगी, जस्ट ब्लेंड करूँगी. अगर आपके भी फेस पे पिगमेंटेशन है तो पहले आप कलर करेक्ट कीजिए सो आपका बेस एशी नहीं दिखेगा. एंड फॉर फाउंडेशन अगेन आई एम यूजिंग क्रायलॉन फाउंडेशन और आपको एग्जैक्ट आपका शेड ही यूज़ करना है फाउंडेशन का. अगर आप लाइट कर यूज़ करोगे तो देन अगेन एशी और ग्रेइश हो जाएगा आपका पूरा बेस. एंड आई एम ब्लेंडिंग इट प्रिसाइसली. ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, ये आपके स्किन को स्किन लाइक फिनिश देता है. फुल कवरेज नहीं है बट ये ड्यूई लुक भी देता है और बहुत स्किन लाइक फिनिश भी देता है. लुक एट दैट. नाउ आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का कंसीलर अंडर माई आईज, ब्रिज ऑफ द नोज, अराउंड माई माउथ एंड फॉरहेड एरिया. एंड अगेन ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, जितना चाहिए जितना ज़रूरी है लिमिटेड उतना ही यूज़ करना है. एंड अगेन यूजिंग वेट ब्यूटी ब्लेंडर आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट. अगेन डोंट ड्रैग योर प्रोडक्ट, आपको आपके प्रोडक्ट को जगह से हिलाना नहीं है, जस्ट धीरे 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 करके ब्लेंड करना है. ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड. लुक एट दैट, अच्छे से ब्लेंड करना है सीमलेसली. अभी मैं क्रीम कॉन्टर यूज करूंगी बिफोर अप्लाइंग एनी पाउडर, मतलब कोई भी कॉम्पैक्ट या फिट मी लाइक जो भी पाउडर आप यूज करने वाले उससे पहले मैं क्रीम कॉन्टर यूज करूंगी डेफिनेशन देने के लिए, क्योंकि फाउंडेशन के वजह से आपके स्किन आपका पूरा फेस फ्लैट हो जाता है. तो गिव सम डायमेंशन. मैं यूज़ करूँगी क्रीम कॉन्टर. आई एम जस्ट गोइंग टू सेट माई कंसीलर विथ फिट मी लूज पाउडर सो दैट मेरा कंसीलर क्रीज ना हो. आप कॉम्पैक्ट से भी सेट कर सकते हो. ब्यूटी ब्लेंडर मैं उसमें फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्सर जस्ट स्प्रे करके आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माय फेस सो दैट जो भी एक्सेस पाउडर का एक्सेस या जो भी एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो उसे रिमूव हो जाता है. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई माय रिमेनिंग मेकअप. सो मैं जस्ट अभी बाकी का फेस कर लूँगी. Of blush from Wet n Wild on my cheeks, nose, and I'm just grooming my eyebrows. And again with leftover mascara, I'm just going to fill up my brows.
I'm using eyelash color to lift my lashes. Now I'm using NYX का mascara. आज मैं कोई भी आई शेडो यूज नहीं करने वाली. Now I'm just highlighting my inner corners. And now I'm just going to use lip liner and I'm just going to fill up my lips with the same lip liner. And now using matte my lipstick, I'm just going to apply my lipstick. So key to get the flawless base is to just prep your skin before your makeup. So here's the final look. Thank you.